hello dear students i am deepak kumar and today i am going to discuss with you a short story named pigeons at daybreak this short story is written by anita desai so first of all let's uh, know about the author anita desai dear students anita desai is one of the most renowned contemporary women writers of indian fiction in english अनीता देसाई बहुत ही रिनाउंड बहुत ही फेमस कंटेम्पररी विमेन राइटर्स है राइट्स इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखती है राइट्स राइट्स फिक्शंस, सी सी शॉर्ट स्टोरीज, एंड वाज बोर्न ऑन ट्वेंटी फोर्थ जून 1937 इन इंडिया टू ए बंगाली फादर एंड जर्मन मदर सी हैज वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर हर राइटिंग्स। सी ग्रीव अप एंड रिसीव्ड हर एजुकेशन इन डेहली इसका पालन पोषण और इसकी एजुकेशन दहली में हुई सी स्टार्टेड राइटिंग एट अर्ली एज ऑफ सेवन जब वो सात साल की थी उसने लिखना शुरू किया हर फर्स्ट नॉवल क्राई द पिकॉक वॉज पब्लिस्ड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री इसकी पहली नॉवल जिसका नाम था क्राई दिकॉक नाइनटीन सिक्सटी में पब्लिश हुई दिस वर्क इमीडिएटली स्टेब्लिश हर एज अ मेजर वॉइस इन इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश इस वर्क ने उसे एक मेजर राइटर के रूप में स्टेब्लिश किया सिंस देन देसाई हैज स्टडीली पब्लिश नावल्स शॉर्ट स्टोरीज चिल्ड्रन लिटरेचर उसके बाद लगातार देसाई नावल्स छोटी कहानियां शॉर्ट स्टोरीज यानी कि लघु कथाएं और बच्चों के लिए लिटरेचर लिखती रही हर वेल नॉन नॉवल्स इंक्ल्यूड वॉइस इन दिटी फायर ऑन द माउंटेन्स पीजें Has been taken from a collection of short stories titled Games at Twilight and Other Stories. So iski so well known other novels Voices in the City is one of them. Fire on the Mountain is other one that is very famous. And the present short story named *Pigeons at Daybreak. Dear students, this story has been taken from the collection of short stories whose title was गेम्स एट टू लाइट एन अदर स्टोरीज नाउ लेट्स डिस्कस अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी कहानी की ब्रीफ समरी देखती देखिए इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड कपल नेम्ड मिस्टर बसु एंड मिसिज ऑटिमा बसु ये एक बूढ़े कपल की कहानी है जिसका नाम है मिस्टर बसु और उसकी पत्नी ओटिमा बसु मिस्टर बासु इज सिक्सटी वन ईयर्स ओल्ड he is a chronic patient of asthma which has made him almost decrepit decrepit here means very weak and aged to so, mr basu ek asthma ke bahut hi chronic patient hain jiski wajah se wo bahut hi kamzor ho gaye hain his wife is 56 years old but she doesn't have a wrinkle on her face और अ ग्रे हेयर ऑन हर हेड उसकी पत्नी जो केवल 56 सिक्स ईयर्स ओल्ड है लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे ना कोई झुर्रियाँ हैं रिंकल जमीन झुर्रिया न कोई झुर्री है और न ही कोई सफेद बाल है उसके सिर पर कोई सफेद बाल नहीं है ड्यू टू हिज इल हेल्थ मिस्टर बसु गेट्स इरिटेटेड इजिली लेकिन मिस्टर बसु अपने इल हेल्थ की वजह से अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से आसानी से इरिटेट हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं ही फ्रॉम ब्रेथलेसनेस बट ऑल हिज फियर्स आर नॉट ऑलवेज रियल मिस्टर बसु को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो बहुत बहुत भयभीत हो जाते हैं जब भी उन्हें अस्थमा का अटैक आने का होता है लेकिन हिज ऑल रियल उनके सारे डर बिल्कुल वास्तविक नहीं होते ही मेक्स प्रीटेंस ऑफ बींग ब्रेथलेस प्रीटेंस मीन्स दिखावा करना कई बार वो सांस न आने का दिखावा करते हैं एंड हैविंग नो स्लीप एट ऑल और कई बार ये भी दिखावा करते हैं कि उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई

बिना फैन के गर्मी की रात बिताने के लिए बहुत भयभीत हो जाते हैं इस विचार से कि उन्हें गर्मी की रात गर्म दिन बहुत ही गर्मी में बिताना पड़ेगा बिना किसी फैन के इस विचार मात्र से ही वो बहुत भयभीत हो जाते हैं डर जाते हैं ओटिमा हु इज अ डिवोटेड वाइफ फील्स जेन्युइनली वरीड अबाउट हिम टीमाउन के लिए बहुत परेशान हो जाती है सी कंफर्ट्स हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को कम्फर्ट करती है उसको सांत्वना देती है सी हिम हिम वुड मेक सम अरेंजमेंट फॉर टू स्लीप ऑन द टेरेस। वो अपने पति को अश्योर करती है उसको आश्वस्त करती है विश्वास दिलाती है कि वो कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेगी उसके लिए उनको टेरेस पर छत पर सुलाने के लिए

द टेरस बुलू की मदद से वो मिस्टर बसु को और साथ में चारपाई को टेरेस पर ले जाती है बट इवन इन खुले में भी मिस्टर बसु रेस्टलेस मिस्टर बसु रेस्टलेस रहते हैं उनको कोई आराम नहीं मिलता वो बेचैन रहते हैं एंड ऑल थ्रू द नाइट ही मॉउट एंड गैस्ड फॉर एयर पूरी रात वो करहाते रहते हैं हवा के लिए हाफते रहते हैं ही doesn't लेट ओटिमा स्लीप इवन फॉर अ मिनट और ओटिमा को एक मिनट के लिए भी वो आराम नहीं करने देते उसको सोने नहीं देते Towards the dawn, लेकिन जैसे सुबह होने को होती है a cool एंड फ्रेश ब्रीज starts ब्लोइंग एक ठंडी और ताजा हवा बहने लगती है which gives सम रिलीफ टू द ओल्ड मैन जिसे बूढ़े व्यक्ति को कुछ राहत मिलती है His mouth hangs open, उसका मुंह खुला हो जा, खुल, खुल जाता है। मानो मानो वो ताजा हवा को अपने मुंह में ले जाना चाहता था जस्ट देन इज सीन राइजिंग हायर एंड हायर इन टू द ब्लू स्काई तभी एक कबूतरों का झुंड आकाश में और ऊंचाइयों तक ऊंचे और ऊंचाइयों तक उड़ते हुए नजर आता है अनटिल इट डिसअपियर्स फ्रॉम द व्यू कंप्लीटली डिसअपियर्स मीन्स गायब हो जाना जब तक कि ये पूर्ण रूप से गायब नहीं हो जाता तब तक ये कबूतरों का झुंड आकाश में ऊंचाइयों तक उड़ता जाता है एट लास्ट इट डिसअपियर्स फ्रॉम द व्यू कम्पलीटली डियर विद्यार्थियों दिसनली यह कहानी खत्म होती है इस सुझाव के साथ कि बूढ़े आदमी की जो आत्मा है वो अपने heavenly abode चली गई है स्वर्ग में चली गई है दस वी सी दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट रेलिवेंट और इस तरह हम देखते हैं कि कहानी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त है सही है नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ बसूज वर्स्ट अफ्लिक्शन एंड का सबसे ज्यादा अफ्लिक्शन हियर संताप पीड़ा बसु के लिए सबसे बड़ी पीड़ा क्या है वन ऑफ बसूज वर्स्ट अफ्लिक्शन इज हिज इनएबिलिटी टू रीड द न्यूज पेपर हिमसल डियर स्टूडेंट्स बसु फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू रीड द न्यूज पेपर बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ बिकॉज ही इज वेरी वीक सो ही जनरली आस्क हिज वाइफ ओटिमा टू रीड न्यूज पेपर फॉर हिम क्वेश्चन नंबर सेकेंड वट इज ओटिमाज एटीट्यूड टुअर्ड बसु बसु के प्रति ओटिमा का क्या एटीट्यूड है ओटिमा दी वाइफ ऑफ बसु हैज सेल्फलेस लव फॉर हर हजबेंड ओटिमा का बसु के प्रति प्यार सेल्फलेस है बिना कोई स्वार्थ के सी टेक्स केयर ऑफ हिम वो उसका ख्याल रखती है बट एट द सेम टाइम सी ऑल्सो फील्स लेकिन वो ये भी महसूस करती है दैट हर हस्बैंड मेक्स टू मच ऑफ हिज एफ्लिक्शन कि उसका हसबेंड कई बार अपनी पीड़ा को लेकर अपने संताप को लेकर बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा बात करता है वो कई बार परिटेंस करता है समटाइम ही प्रीटेंड टू बी इल और प्रीटेंड टू हैव ब्रीथलेसनेस नेक्स्ट क्वेश्चन आर बसुज फियर रियल आर समेम कॉन कॉटेड यस बसू इज अ क्रॉनिक पेशेंट ऑफ अस्तमा बट ऑल हीज फियर्स आर नॉट रियल लेकिन उसके सारे भी है वास्तविक नहीं है समाइम्स ही मेक्स प्रीटेंस ऑफ बींग ब्रेथलेस एंड हैविंग नो स्लीप एट ऑल कई बार वो दिखावा करता है कि उसको सांस नहीं आ रही या उसको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं, नहीं आई कई बार वो इस बात का भी दिखावा करता है क्वेश्चन नंबर फोर हु इज बुलू बुलू इज अ स्टर्डी बॉय स्टर्डी मीन्स ताकतवर बुलू इज अ स्टर्डी बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू बसू बुलू एक ताकतवर बच्चा है जो उनका पड़ोसी है और अगले ही घर में रहता है दो ही इज हाफ विट ही इज अ गुड नेचर यद्यपि वो आ, मंद बुद्धि बच्चा है लेकिन बहुत ही अच्छे स्वभाव का है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एट द एंड ऑफ द स्टोरी वाई डज द ओल्ड मैन इंसिस्ट ऑन स्टेइंग ऑन द टेरस कहानी के अंत में बूढ़ा व्यक्ति टेरिस पर ही रुकने की जिद क्यों करता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी द ओल्ड मैन इंसिस्ट ऑन स्टेइंग ऑन द टेरस बिकॉज इन द मॉर्निंग क्योंकि सुबह अ कूल एंड फ्रेश ब्रीज स्टार्ट ब्लोइंग एक ठंडी और ताज़ा हवा बहना शुरू कर देती है यमुना के यमुना से उठती हुई हवा उनके टेरेस तक आती है और वो बड़ी ठंडी और फ्रेश हवा थी विच सम रिलीफ टू द ओल्ड मैन इससे बूढ़े व्यक्तियों को कुछ राहत मिलती है मोर ओवर द ओल्ड मैन हैज फोरसीन हिज अप्रोचिंग डेथ बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मृत्यु को भी देख लिया था दैट वॉज अप्रोचिंग उसकी मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही थी एंड ही हैज फोर सीन दैट सो फ्लैट वो लेटा रहता है स्टिल इन हिज़ बेड अपने बिस्तर में एंड वेट्स धैर्य से इंतजार करता है फॉर द इनएविटेबल टू हैपन उस चीज का यानी कि मृत्यु का वो इंतजार करता है बिकॉज ही रियलाइज दैट हिज़ एंड इज नियर क्योंकि उसको महसूस हो जाता है कि उसका अंत समय नजदीक आ गया था तो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू वेरी मच